हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी 9 प्राइम में आप अलार्म कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर टूल्स में चले आना है। यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लॉक के ऑप्शन है। यहाँ पर देखते हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपली। और अब आपको अलार्म सेट करने के लिए दोस्तों इस प्लस के आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। और अब आपको यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आपको टाइम सेट कर लेना है, जो भी आपको अलार्म जितने भी बजे का आपको सेट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर टाइम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एम पी एम सेलेक्ट कर लेंगे, हमें एम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम 5 बजे का अलार्म सेट कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने अलार्म का टाइम यहाँ पर सेट कर दिया है। तो अब हम दूसरी ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ये है रिंगटोन वाली ऑप्शंस। दोस्तों ये जो दो ऑप्शंस हैं, ये दोनों ही रिंगटोन्स हैं। अगर आपको इन दोनों में से रिंगटोन्स नहीं अच्छी लगती तो आप यहाँ पर ये जो है साथ में ये मोर रिंगटोन, इस पर हम क्लिक करेंगे इस पर, और आपको यहाँ पर बहुत सारी रिंगटोन्स दिखाई दे देंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी रिंगटोन्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से जो भी रिंगटोन आप अलार्म पर सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अलार्म टोन जो भी सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से भी कोई टोन नहीं सेट करनी तो आप अपने जो इंटरनल स्टोरेज में से सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो है चूज़ लोकल रिंगटोन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो इसके बाद आपको यहाँ पर म्यूज़िक अपने में जो म्यूज़िक प्लेयर में जो भी आपके सॉन्ग्स होंगे वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइल मैनेजर से और रिकॉर्डर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम म्यूज़िक में से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं ये जो म्यूज़िक प्लेयर मेरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिंपली कोई भी सॉन्ग सेट करने के लिए, रिंगटोन सेट करने के लिए उस ऐसे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऊपर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब आपको मैं दिखा देता हूँ रिंगटोन सेट करने के बाद अगली ऑप्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है रिपीट की, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, वंस, डेली, मंडे टू फ्राइडे और कस्टम। अगर आपको एक बार के लिए अलार्म चाहिए तो आप वंस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको डेली अलार्म चाहिए इसी टाइम पर तो आप डेली पर, अगर आपको मंडे टू फ्राइडे चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको कस्टमली खुद सेट करना है किस किस डेज के लिए आपको अलार्म चाहिए तो आप यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ से जो भी डे सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, उन्हीं डेज में आपको वो अलार्म ये जो हैगा आपका अलार्म बजेगा उन्हीं डेज में। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है डे सेलेक्ट करने के बाद। तो फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। जो अगली ऑप्शन है दोस्तों, वाइब्रेट व्हेन अलार्म साउंड, ये जो ऑप्शन है वाइब्रेट व्हेन अलार्म साउंड। दोस्तों अगर आपको अलार्म के साथ वाइब्रेशन चाहिए तो आप इसे अनेबल कर देंगे जैसे मैंने किया हुआ है, नहीं तो आप इसे ऑफ ही रहने देंगे। तो दोस्तों ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर ये जो आइकन है यहाँ पर टिक का, इस पर हम क्लिक कर देंगे और आपका अलार्म सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं आपका अलार्म यहाँ पर सेट हो चुका है। आपको सिंपली अलार्म ऑफ करने के लिए इसको यहाँ से ऐसे ऑफ कर देना है और ये ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ से अलार्म सेट कर लेना है।